हेलो डियर स्टूडेंट, इट इज समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल मैथमेटिक क्लास 10 एंड मेन टॉपिक टुडे इट इज समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल। इससे संबंधित जो प्रमेय है स्टूडेंट, वो हम लोग फोकस करेंगे। देखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट ये प्रमेय है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात है, संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। आइए हम लोग इस प्रमेय को समझें और जानें। तो स्टूडेंट, त्रिभुज कक्षा 10 का प्रमेय 6.6, आइए समझिए। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रमेय स्टूडेंट। यहाँ पर आप दो त्रिभुज देख पा रहे हैं, त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर। तो ये ज्ञात करना है कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर इनकी संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग। ये जो होता है, क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। यानी कौन कौन संगत भुजाएं, देखिए, ए बी स्क्वायर बटे पी क्यू स्क्वायर हो सकता है, या ए सी स्क्वायर बटे पी आर स्क्वायर हो सकता है, या बी सी स्क्वायर बटे क्यू आर स्क्वायर हो सकता है। यही है, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर ए बी स्क्वायर बटे पी क्यू स्क्वायर, या ए सी स्क्वायर बटे पी आर स्क्वायर, या बी सी स्क्वायर बटे क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, तो त्रिभुजों के क्षेत्रफल उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। ये हम लोगों को प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम फिगर ये देखेंगे कि रचना ये करना है हमें इस फिगर में कि ये जो आधार बी सी है और क्यू आर, इस पर हम लंब ए एम और ए एन खींचेंगे। ठीक है, लंब डालेंगे, तो लंब का मतलब ये कोण 90 और ये कोण 90 अंश हो जाएगा। तो रचना में हमें सर्वप्रथम यही चीज़ लिखना है कि ए एम लंब बी सी पर डाला और पी एन लंब क्यू आर पर डाला। ठीक है, सेम टू सेम। अब आइए इसकी उत्पत्ति क्या बोलते हैं कि इसमें त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल निकालिए। तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, यदि यह लंब डाल दिया गया ए एम और पी एन, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई या लंब, 1/2 आधार क्या है बी सी, अगुणित इसकी लंब कितना हो जाएगी त्रिभुज ए बी सी का ए एम, अब बटे 1/2 आधार क्या हो जाएगा क्यू आर, अगुणित लंब क्या हो जाएगा पी एन। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। करेक्ट, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणित लंब, दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल का यहाँ पर अलग अलग निकाले हैं अनुपात, और समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है, आगे हमको पता है कि त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर एक दूसरे के क्या हैं, समरूप है। समरूप का मतलब कि संगत भुजाएं बराबर होंगी। कोण बी बराबर क्या, कोण क्या होगा क्यू। ठीक है, वही चीज़ हमने लिखा है, कोण बी बराबर क्या होगा, कोण क्यू। ठीक, और चूँकि ये समरूप त्रिभुज है, तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान अनुपाती में भी होती हैं, अर्थात ए बी बटे पी क्यू, देखें फिगर में, ए बी बटे पी क्यू अब बराबर बी सी बटे क्यू आर हो जाएगा। वही समीकरण नंबर यहाँ पर दिखाया गया है, ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर, क्योंकि समानुपाती जो त्रिभुज होते हैं उनकी संगत भुजाओं का जो संगत भुजाएं एक समान अनुपात में होती हैं, यदि दोनों त्रिभुज समरूप हैं तब। ठीक है, ये समीकरण नंबर हमने 2 मान लिया, इट इज इक्वेशन नंबर 2। अब आइए इसमें त्रिभुज ए बी एम और त्रिभुज पी क्यू आर में, देखिए पी क्यू एन में, इसको समरूप सिद्ध करना है, ए बी एम और पी क्यू एन में। ठीक है, देखिए जैसे ही लंब डाला गया तो ये कोण बराबर हो गया, क्योंकि एम और एन 90-90 अंश के हो गए, और कोण बी बराबर कोण क्यू आपको पता ही है, अतः यह त्रिभुज और यह दोनों क्या हो जाएगा, समरूप। वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है, त्रिभुज ए बी एम और त्रिभुज पी क्यू एन में कोण बी और क्यू बराबर है, एम और एन 90 अंश के बराबर है, इसलिए दोनों समरूप कर दीजिए। ठीक है, समरूप त्रिभुज की क्या खासियत होती है, संगत भुजाएं समान अनुपाती में होती है, यानी ए बी बटे पी क्यू बराबर ए एम बटे ए एन, ए एम बटे पी एन, ए बी बटे पी क्यू बराबर हमको क्या करना है, ए एम बटे
पीएन, ठीक है। ए आपका इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। अब समीकरण नंबर 2 और 3 को ध्यान से देखिए, देखेंगे तो दोनों का जो बायां पक्ष है ए बी बटे पी क्यू बराबर है, इसलिए बी सी बटे क्यू आर बराबर क्या होगा, ए एम बटे पी एन के, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है, बराबर हो जाएगा ए एम बटे पी एन बराबर बी सी बटे क्यू आर हो जाएगा। अब ए एम बटे पी एन का मान हमें सिर्फ इस समीकरण नंबर 1 में रख देनी है, समीकरण नंबर 1 में रख देनी है। जब इसमें आप रखेंगे तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर 1/2 से 1/2 काट दीजिए, बराबर क्या हो जाएगा 1/2 गुणित बी सी बटे क्यू आर गुणित ए एम बटे पी एन। अब ए एम बटे पी एन के स्थान पर क्या लिख देंगे, बी सी बटे क्यू आर, यहाँ पर रखेंगे क्या रखेंगे, बी सी बटे क्यू आर। अब एक तो बी सी बटे क्यू आर पहले से ही है फिगर सूत्र में आपके, ए एम बटे पी एन के स्थान पर फिर बी सी बटे क्यू आर रखेंगे तो जाहिर सी बात है वर्ग हो जाएगा। तो क्या आएगा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर बी सी स्क्वायर बटे क्यू आर स्क्वायर। यही स्टूडेंट प्रूव करना था, सिद्ध करना था कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात है उनकी संगत भुजाओं के अनुपातों के वर्ग के बराबर होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रमेय है जो ईपी बोर्ड में आता है, से नोट कर लें। सो थैंक यू स्टूडेंट।